हेलो एंड वेलकम। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का अपना निफ्टी बैंक निफ्टी के स्टॉक्स का एनालिसिस। तो देखिए, जैसा मैं आपको कह रहा था, घबराने वाली कोई बात है नहीं। मार्केट अप ट्रेंड में ही है और ऊपर ही जाएगी। कल कुछ इन्फ्लेशन का डेटा गलत आया, यूएस मार्केट टैंक कर गई, सुबह सब घबरा गए, मार्केट गिर गई, मार्केट गिरी लेकिन अपने सपोर्ट लिया हमारा, तो पूरे एक ही दिन में पूरी मार्केट रिकवर हो गई। देख लीजिए आप, ये हमारे गैप्स थे, ये फिल हो गए। कोई बड़ी बात नहीं है, हम बोलते आ रहे हैं कि हमारे गैप्स फिल होंगे, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। आज नेचुरल है, इतनी ऊपर जाके मार्केट में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आना। उसके बाद देखिए, मैं आपको लगातार बोल रहा हूँ, 18,143 और फिर आखिरी 18,480 की तरफ मार्केट जाने की तैयार है, घबराने वाली बात नहीं। बैंक निफ्टी मैंने आपको लगातार बोला, जबरदस्त मूव, मैंने लगातार बोला आपको आखिरी टच करेगा, आखिरी 43,300 टच करेगा, वो टच कर गया है। इनफैक्ट हाई लग गया 41,625 का। ये अब मार्केट मुझे लगता है बैंक निफ्टी अपना लाइफ टाइम हाई पुराना तोड़ के ऊपर जाएगा और फिर वहां से फिर प्रॉफिट होने आएगी थोड़ी बहुत। तो घबराने वाली अभी भी कोई बात नहीं है, लॉन्ग करके ही चलेगा। मुझे लगता है कल भी ये बैंक निफ्टी अपना आखिरी तोड़ते हुए ऊपर जाने की कोशिश करेगा। चलिए देखते हैं अपने कुछ स्टॉक्स। आईटी सेक्टर में जबरदस्त करेक्शन है, तो घबरा, हमने पहले ही बोला था कि आपको सुपर ट्रेंड पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगा और वही हुआ। इसका कारण ये है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेंगे, स्पेंडिंग कम होगी इसमें, तो उसकी वजह से आईटी सेक्टर में इम्पैक्ट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देख लेते हैं अपना, जबरदस्त मूव, जबरदस्त। मैंने आपको बोला था लगातार अपना वीडियोस मेरे देखते जाइए कि ये आखिरी अपना तोड़ेगा, आखिरी तोड़ दिया इसने और ये अब रॉकेट होने को तैयार है अपना 580 की तरफ जाने के तैयार। कैनरा बैंक देख लेते हैं, इसे भी, इसने भी वही, बहुत ही अच्छा मूव है, बहुत ही अच्छा मूव। 260 क्रॉस करने के बाद ये भी ऊपर जाने के लिए तैयार। अदानी पावर में लगातार प्रॉफिट बुकिंग है, लगातार प्रॉफिट बुकिंग है। इसने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तोड़ दिया, अब ये नीचे को जाने को तैयार है, तो इसे अब शॉर्ट करके चले गए, इसे अवॉइड करें। टाटा इन्वेस्ट मैंने आपको बोला था आज अपर सर्किट लग गया, कल ही बताया था आपको और आज अपर सर्किट लग गया 20% अपने 400 रुपये अपर, 450। टाटा केमिकल देख लेते हैं, टाटा केमिकल में मैंने ये ब्रेकआउट R1 के ऊपर जाते ही ब्रेकआउट हो जाएगा और ये फिर 1240 और 1345 की तरफ। वेदांता भी देखा था हमने और मैंने कहा था वेदांता भी ऊपर जाने के लिए तैयार है, R3 इसने क्रॉस कर दिया, अब ये ऊपर ही जाएगा और पुराना, मुझे लगता है ये पुराना गैप 403 की तरफ जाने के लिए तैयार हो, ये अच्छा चलेगा, अच्छा चलेगा। टाटा मोटर्स देख लेते हैं, टाटा मोटर्स अभी कंसोलिडेट फेज में है, जब तक ये 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज नहीं ब्रेक करते तब तक इसका अपट्रेंड नहीं शुरू होगा, तो इसे वेट एंड वॉच करेंगे। डी मार्ट देख लेते हैं अपना फेवरेट एफएमसीजी में, इसमें भी अभी कंसोलिडेशन हो रहा है लेकिन ट्रेंड अप ही है, ये भी अब हमारा 4560 और उसके बाद 4650 और उसके बाद 4800 क्रॉस करने के बाद ये भी 6000 की तरफ भागने के लिए तैयार हो जाएगा। एक्स्ट्रा माइक्रोवेव जो हमने लिखा था डिफेंस का स्टॉक्स, उसे देखते हैं, अच्छा मूव आया आज, मुझे लगता है ये अपना R1 372 की तरफ जाने को तैयार है, उसके बाद R2 401 और फिर R3 446 की तरफ जाएगा। भारत फोर्ज, किसी ने रिक्वेस्ट डाला था, भारत फोर्ज में भी अच्छा मूव है, मुझे लगता है ये भी ऊपर की तरफ ही है, आज नीचे खुला है लेकिन सपोर्ट लिया और मुझे लगता है ये भी आज तो अपने 808 और फिर 850 की तरफ जाने के लिए तैयार। तो देखते हैं विप्रो में क्या हो रहा है, विप्रो में लगातार प्रॉफिट बुकिंग है, आज भी नीचे खुला और कोशिश की इसने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर जाने की पर उसके नीचे ही क्लोज, इसे अभी अवॉइड करके चले। आईसीआईसीआई बैंक क्या हो रहा है, जबरदस्त मूव आ रहा है उधर, बहुत अच्छा मूव है, बहुत ही अच्छा मूव है, मुझे लगता है ये 940 की तरफ जा रहा है, 945 अपना आरसी तोड़ के ऊपर जाएगा तो 1000 की तरफ जाएगा, बाय करके ही चलेंगे इसे, बहुत ही अच्छा मूव। चलिए दोस्तों, तो ये था आज का हमारा एनालिसिस। एंड डिस्क्लेमर बता देता हूँ, ये जो हमारा एनालिसिस है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, इसके बेसिस पे ना ही आपने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है ना ही कोई ट्रेडिंग करनी है। आपने जो भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करनी है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पे करनी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो द फोरफ्रंट चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, हमारी टीम के साथ मेहनत आपके लिए ये वीडियो लाती है। धन्यवाद, आपसे फिर मुलाकात होगी, आपका दिन।